बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर ली है। इस दौरान उनसे क्या कुछ किस मसले पर चर्चा हुई है उन्होंने खुद ट्वीट कर इसके बारे में गुरुवार को बताया है। जीतन राम मांझी के इस दिल्ली दौरे को लेकर मोदी कैबिनेट में होने वाले विस्तार से भी जोड़कर देखा जा रहा था। कई तरह की अटकलबाजी हो रही थी जिस पर अब विराम लग गया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर न्यायपालिका एवं निजी क्षेत्रों में आरक्षण दशरथ मांझी को भारत रत्न की मांग की गई है। इसके साथ ही बिहार के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात की गई है। जीतन राम मांझी ने आशा जताई है कि उनकी सभी मांगें जल्द पूरी होंगी। बता दें इसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जब दिल्ली एम्स अपनी आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए गए थे मोदी कैबिनेट के विस्तार से जोड़कर देखा जाने लगा था। अटकलबाजी शुरू हो गई थी कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। पार्टी के नेताओं ने उसे खारिज भी किया था। बुधवार को नीतीश कुमार जब आंखों का ऑपरेशन कराने के बाद दिल्ली से पटना आ गए तब जाकर एक तरह से इस पर विराम लगा। अमित शाह के साथ साथ मांझी की मुलाकात बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव से भी हुई है। मांझी पिछले दो दिनों से शाह से मुलाकात का इंतजार कर रहे थे लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिला था। खुद उनके बेटे और बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी ने यह बताया था कि बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से मिलने का वक्त नहीं मिल पा रहा है। दरअसल मांझी चार दिन पहले दिल्ली में अपना इलाज करवाने गए थे लेकिन दिल्ली पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का टाइम मांगा। मुलाकात की वजह पूछे जाने पर उनके बेटे संतोष सुमन ने कहा था कि वे बिहार के विकास पर चर्चा करना चाहते हैं, दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग करना चाहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात करना भी चाहते हैं। अब काफ़ी इंतज़ार के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद मांझी ने अपनी मांगें जल्द ही पूरी होने की इच्छा जताई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।